नमस्कार। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम जब से ड्रग्स मामले में आया है, तभी से शाहरुख ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं। भले ही ड्रग्स मामले में कई दिनों के बाद आर्यन को बेल मिली हो और वो जेल से बाहर आ गए हो, लेकिन लोग तरह तरह से शाहरुख खान को एक अच्छा पिता बनने की सलाह दे रहे हैं। जैकी चैन का उदाहरण देने के बाद अब लोग आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन के बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन उस शिप में थे ही नहीं, तो लोग उनकी बातें क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें, आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन की इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि एक तरफ शाहरुख खान के बेटे रेव पार्टी के मामले में एनसीबी के निशाने पर आते हैं, शाहरुख खान के बेटे आर्यन ड्रग्स पार्टी करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आर माधवन के बेटे वेदांत खेल में हिस्सा लेकर देश के लिए मेडल लाते हैं। इसी बात को लेकर शाहरुख के बेटे आर्यन और आर माधवन के बेटे वेदांत के बीच कंपैरिजन हो रहा है और किंग खान और उनके लाडले को ट्रोल किया जा रहा है। हेमंत पटेल नाम के एक यूजर ने लिखा, वेदांत माधवन सन ऑफ आर माधवन बैग 7 मेडल इन जूनियर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप, ही इज ऑल्सो अ 22 साल का स्टार किड बट हैजंट चूज टू ड्रग। आर माधवन सन इज विनिंग मेडल्स व्हाइल मीडिया इज बिजी इन कवरिंग आर्यन खान हु गॉट अरेस्टेड इन ड्रग केस। एक और यूजर ने लिखा, आर माधवन 16 ईयर्स ओल्ड सन वन 7 मेडल्स इन स्विमिंग चैंपियनशिप एंड हार्डली पीपल कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। SRK's 23 ईयर्स ओल्ड सन ग्रांटेड बेल फ्रॉम ड्रग केस एंड इडियट्स कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम। द रीजन व्हाई वी नीडेड मोर लिटरेट नॉट ओवर एजुकेटेड। एक और यूजर ने लिखा, इमोशनल होने से अच्छा होता है कि बेटे को अच्छे संस्कार देता, अय्याश बनाने पे यही होगा और आगे भी होगा, ये तो शुरुआत है, अगर अभी से कंट्रोल ना किया और कुछ भी करेगा। एक आर माधवन का बेटा है जो मेडल्स ला रहा है और एक ये है। एक और यूजर ने लिखा, संस्कार देना माता पिता का काम होता है, आर माधवन सर ने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए हैं, दूसरे स्टार के बच्चों की तरह चर्सी नहीं है। एक और यूजर ने लिखा, वेरी अनफॉर्चुनेट दैट टूडेज जनरेशन हैविंग आर्यन खान लाइक सुपर ब्रैट्स एज रोल मॉडल्स, देर आर किड्स लाइक मिस्टर आर माधवन हु इज विंस मेडल्स इन स्पोर्ट्स। तो देखा आपने, लोगों का कहना है कि बच्चों को जिस परवरिश में रखते हैं वैसा ही वो सीखता है। आर्यन खान और वेदांत माधवन के साथ भी ऐसा ही हुआ। शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन को पूरी तरह से छूट दी हुई थी, जिसकी वजह से वो ड्रग्स केस में फंस गए और 25 दिनों तक जेल की हवा खानी पड़ी। तो वहीं दूसरी तरफ आर माधवन के बेटे तैराकी में देश का नाम रोशन कर रहे हैं, 7 मेडल जीत चुके हैं, साथ ही धार्मिक संस्कारों को भी अपने पिता से सीखते हैं। आपको क्या लगता है, दोनों के बच्चों को कंपेयर कर ट्रोल करना कहां तक ठीक है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।